नमस्कार, एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निधि। एमपी न्यूज के सभी दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की सुर्खियों के साथ। इंदौर के महाराष्ट्र ब्राह्मण सहकारी बैंक घोटाला, ये जो है वो काफी समय से चर्चाओं में बना हुआ है। और इस घोटाले को लेकर अब पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने एक प्रतिक्रिया दी है। काफी लंबे समय से इस घोटाले को लेकर उन्होंने चुप्पी साधी हुई थी, क्योंकि बात जुड़ी हुई थी उनके बेटे मिलिंद महाजन के नाम को लेकर। इस घोटाले में उनके बेटे का नाम शामिल है, तो इस मामले को लेकर उन्होंने चुप्पी साध रखी थी। लेकिन अब उनकी ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है और उनका कहना है कि मुझे विश्वास है कि मेरे बेटे पर कोई आंच नहीं आएगी। सरकार चाहे तो सभी फाइलें इस घोटाले की खोलकर देख सकती है, किसी भी तरह की जांच कर सकती है, लेकिन फिर भी ताई को ये विश्वास है कि उनके बेटे को किसी तरह की आंच नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर अगर आपको शुरुआत से बताएं तो महाराष्ट्र ब्राह्मण सहकारी बैंक जो है सन 1997 से सन 2004 तक, इस समय सीमा में लगभग 30 करोड़ का घोटाला हुआ है इस बैंक में। और इस समय सीमा में इस बैंक के डायरेक्टर थे मिलिंद महाजन, जो कि पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के बेटे हैं। तो इसीलिए मामला इतना सुर्खियों में बना हुआ है। सन 2005 में ये बैंक बंद हो गई थी, लोगों की जीवन भर की कमाई यहाँ लुप्त हो गई थी। और इसे लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, फाइलें खंगाली जा रही है, कार्रवाई अब भी जारी है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जिला डिंडोरी की बात करेंगे। यहाँ पर खाकी वर्दी को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। दरअसल SAF में पदस्थ एक जवान संदीप बघेल, इन्होंने नशे की धुत हालत में सरे बाजार एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की। ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि खाकी वर्दी ने ही नाबालिग खाकी वर्दी में पदस्थ जो संदीप बघेल SAF में पदस्थ थे, इसी ने सरे बाजार नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, आरोपी को हिरासत में ले लिया है। स्थानीय लोगों ने इस मामले को उठाया है, सड़कों पर उतरकर इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया जा रहा है। तो पुलिस हरकत में आई और एक जवान पर कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर अब भी ये कहा जा रहा है कि FIR दर्ज की गई है, लड़की के परिवारजनों ने FIR दर्ज कराई है और अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। हनी ट्रैप मामला, हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। यहाँ पर SIT जो टीम है, एक यहाँ पर बड़ी सफलता SIT को मिली है। जांच एजेंसियाँ जो है महिला आरोपियों के बैंक लॉकर्स खंगाल रही है और इन बैंक लॉकर्स में लगभग 60 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। साथ ही साथ 37 लाख रुपए के जेवर भी मिले हैं। तो एक बड़ी काली कमाई सामने आती हुई यहाँ पर दिख रही है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक सबूत, यहाँ पर 5 पेन ड्राइव्स भी मिली है, जिसमें कि अहम सबूत होने की बात कही जा रही है। जांच के लिए इन सबूतों को लैब में भेजा जा चुका है और अब भी कार्रवाई जारी है। आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में 4 महिला आरोपी और एक पुरुष आरोपी फिलहाल जेल में बंद है। पूछताछ की जा रही है और पुलिस जो है अभी भी पड़ताल कर रही है। लेकिन जब बैंक लॉकर खंगाले गए तो एक बड़ी कमाई का यहाँ उजागर हुई है, जिसे लेकर अब और पड़ताल पुलिस द्वारा की जा रही है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM में अब सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 3,450 संविदा पदों पर भर्ती की आयु सीमा अब तय की गई है। इसे 35 से बढ़ाकर 40 कर दिया गया है। जी हाँ, पहले ये आयु सीमा जो थी वो सिर्फ 35 तक थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 40 कर दिया गया है। सरकार के इस प्रस्ताव के बाद अब लगभग 25,000 युवा आवेदकों को इसका फायदा मिल सकेगा। सरकार जल्द ही नए विज्ञापन जारी करने जा रही है और इन विज्ञापनों के बाद अब भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो जितने भी युवा आवेदक हैं जो रोजगार की उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनके लिए यहां पर खुशखबरी है कि अब आयु सीमा जो है वो 35 से बढ़ाकर 40 कर दी गई है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस सरकार द्वारा कई तरह की नई नई योजनाएं लाई जा रही हैं। कुछ वक्त पहले जहां पर्यावरण को लेकर चिंतित थी सरकार, तो पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए कवायद की गई। साथ ही साथ अब देश की पहली साइंटिफिक सेंचुरी भी बनाई जाने वाली है भोपाल में। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि भोपाल के आसपास लगभग 18 बाघों के मूवमेंट की जानकारी मिली है और इसके बाद
प्रशासन अलर्ट हो गया है, क्योंकि ये सभी बाघ जो हैं कई बार इनके बीच टेरिटोरियल फाइट्स होती हैं, यानी इलाके को लेकर जो शेरों के बीच बाघों के बीच फाइट्स होती हैं उससे भी नुकसान होता है, और साथ ही साथ ये इसके बाद रिहायशी इलाकों में भी पहुंच जाते हैं जिससे जनता के बीच डर फैला हुआ है। इसी को कम करने के लिए प्रशासन ने एक नई कवायद शुरू की है, साइंटिफिक सेंचुरी बनाई जाएगी भोपाल के आसपास। जो 18 बाघों का मूवमेंट मिला है उसे लेकर माना जा रहा है कि जब ये सेंचुरी बन जाएगी तो एक सुरक्षित कॉरिडोर मिल जाएगा बाघों को, इससे रिहायशी इलाकों से उन्हें दूर करने में काफ़ी मदद मिल सकेगी। 256 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका मार्क किया गया है जिसमें सेंचुरी का निर्माण किया जाएगा, और इस सेंचुरी का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा जा सकता है। ये प्रस्ताव भी सरकार द्वारा भेजा जा चुका है। साथ ही साथ इस सेंचुरी की खास बात ये होगी कि इस सेंचुरी को बनाए जाने के लिए किसी भी गांव का विस्थापन नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ कुछ स्पेशल फीचर्स इसमें होंगे जिसमें कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा, और इसके साथ ही जो पूरे सेंचुरी का मैनेजमेंट होगा वो इको फ्रेंडली होगा। तो अगर देखा जाए तो प्रदेश सरकार जो है पूरी तरह से पर्यावरण को लेकर सचेत हो चुकी है, प्रदूषण को कम करने की कवायद की जा रही है, साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ को सेव करने की कोशिश भी कर रही है कमलनाथ सरकार। चलिए अंत में रुक करेंगे आज के खास दिन की ओर। आज का दिन खास है क्योंकि आज पर्व है धनतेरस का, जिसके बाद बाजारों में एक अलग ही तरह की रौनक देखने को मिल रही है। बाजार पूरी तरह से सजे धजे नज़र आ रहे हैं, स्पेशल लाइटिंग्स हुई है, सजावट हुई है, दुकानें जो हैं पूरी तरह से सज धज कर तैयार हैं। खास तौर पर आज के दिन जहां बर्तनों की और आभूषणों की खरीदारी होती है, तो इंदौर की यदि हम बात करें तो सराफा बाज़ार, बर्तन बाज़ार पूरी तरह से अपने शबाब पर है। सुबह से ही लोगों की भीड़ वहां पर नज़र आ रही है। हालांकि पिछले साल से यदि तुलना करें तो इस बार जो है खरीदारी थोड़ी कम है, ग्राहकी थोड़ी कम है। दुकानदारों का भी ये कहना है कि मंदी और महंगाई जो है इस बार ग्राहकों को दुकानों से थोड़ा दूर रखे हुए हैं। वहीं अगर बात करें भोपाल की, तो भोपाल से एक खास अपडेट ये है कि भोपाल के बाज़ारों में मोदी के चांदी सिक्कों की भारी डिमांड है, ज़बरदस्त डिमांड देखी जा रही है। ऐसे चांदी के सिक्कों की जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर अंकित है, 10, 20 और 5 ग्राम के सिक्के बाज़ार में मौजूद हैं। क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि महंगाई है, तो इसलिए कम वज़न वाले चांदी के सिक्के भी बाज़ार में मौजूद हैं। हालांकि कई लोग इस दिन बर्तन और गाड़ियां भी खरीदते हैं, तो शहर के बाज़ार तैयार हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप भी घर से निकलकर पहुंचिए बाज़ारों तक। हम उम्मीद करते हैं कि धनतेरस का ये पर्व आपके लिए भी शुभकारी होगा। एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फ़िलहाल इतना ही। लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। खबरों की कतार लगातार, एमपी से जुड़ी हर खास खबर आपके मोबाइल पर आपके वक्त पर। एमपी न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।